हम तो समझे थे मैंगो शेक बन रहा है, और यहाँ तो पार्टी हो रही है, मैंगो पार्टी। तो जनाब आज की सहरी में बन रहा है मैंगो शेक और शाही छोले बन रहे हैं, मसाला रखा हुआ। तो पहली रोटी अभी बन रही है और ये शफ़क को देखें, इस तरह कौन करता है हाथों से, उसको लंबा कर रही हो। आपका बहुत दिल कर रहा है, आप बना ले आगे, मेरा कोई दिल नहीं कर रहा, वैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ना, क्या कहते हैं, बनवाते हैं आपसे एक्सेप्ट दूसरी करूं ये रोटी। चैलेंज, मैं गोल्ड रोटी चैलेंज, ठीक है, लेट्स सी। ये ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हाँ सी तेरी लग मेरी रही नहीं है, अच्छी बली है है ना, तो शेफ है ना। फसल इन द हाउस, यस, सो आहिस्ता बोलना है, आहिस्ता बोले, सारे आप सो रहे चीख रहे हैं, आहिस्ता हैं, बोले। मैं एक्साइटेड हो गया था। आप तो यार फ्रेम में नहीं आते ना, मतलब मुंह दिखाऊं या हाथ दिखाऊं यहाँ से आ रहे हैं आप। अभी फोकस करो रोटी पे। देखते हैं सब क्या बनाते हैं। ओ तुम्हारी भी कोई ऐसी थी अजीब सी नहीं तो मेरी भी जैसी तो नहीं बनानी ना, आपने कहा था मैं बिल्कुल गोल बनाऊंगा। असल में आटा चिपक रहा है ना। अच्छा आटा चिपकता ही है जी। अब हम करेंगे गाइस इसको गोल, ठीक कोशिश है करेंगे। चलो जी। तो नहीं होती गोल, तो हम इसको ऐसे ही डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, वाह ये कहाँ का नक्शा है, ये वाह तकरीबन गोल है, थोड़ा सा इधर से बस खराब है, इधर से ये रोटी का क्या किया है, सिर्फ जला दिया आपने ये रोटी। शफक ने बड़ी होशियारी की है, चैलेंज चैलेंज के चक्कर में ना ये भी मुझसे करा लिया काम। सब कुछ शफक ही कर रही है, ये चेक करें जी, माहिर साहब को चेक करें, कर क्या रहे हैं। ये शफक की रोटी है जली हाँ हुई, देख रहे हैं आप मेरी ये लोग थोड़ी गाइड, सी ये आग पे हो और गई ये थी, चेक करें जल गया। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी सहरी बन गई है, ये है जी मैंगो शेक और साथ में ये चिकन छोले रोटी शाही बन छोले गई, और योगर्ट है और पानी है, एंड दैट्स इट। हम लोगों ने कल बहुत ज़्यादा खा लिया है और मेरा तो बिल्कुल क्योंकि सहरी वहां पे करने का ना दिल नहीं कर अफ्तारी में रहा, इतनी चीजें थी माशाल्लाह से, और उसके बाद फिर खाना भी था, तो बहुत यम्मी था सब कुछ। सहरी करके मैंने तो नमाज पढ़ ली है और मुझे बहुत नींद आ रही थी। व्लॉग हम एडिट नहीं कर सके क्योंकि वापस आए थे उसके बाद, इबादत वगैरह में थोड़े से मसरूफ हो गए थे, फिर सहरी बनाए, तो व्लॉग उठ के एडिट करना है तो हमें जल्दी टाइम से उठना पड़ेगा। एक न्यू अपडेट ये है कि आज भी हमें अफ्तार की इनविटेशन आ चुकी है, तो भाई मजे ही हो ये तो व्लॉग्स की गए बरकतों से हो गया, ऐसा लग रहा है हमने व्लॉग स्टार्ट किया और इफ्तार डिनर्स पे हमने जो जो इनविटेशन सोचा मिलना था ना कि शुरू हम लोग किया खुद बनाया करेंगे अफ्तार वगैरह में, वो इन माशाल्लाह सब से कुछ। हमें वहां पे मिल जाता है। सो पीस स्टे आउट, स्टे ट्यून्ड। गुड मॉर्निंग, हम लोग तो उठ गए हैं और अब टाइम हो रहा है तकरीबन 1:15, तो हम लोग फ्रेश, मैं तो फ्रेश हो गई हूँ, असद गए हैं वॉशरूम और मैंने अब शुरू करनी है एडिटिंग जल्दी से क्योंकि फिर नमाज का टाइम हो जाए। क्या कर रहे हैं असद, वीडियो अपलोडिंग पे लगा रहा असद पढ़ने लगे हैं और पढ़ने का स्टाइल चेक करें, मतलब असद लिटरली यार हूँ। देखो उठते साथ जो है ना बेड पे बैठ नहीं गया, तो नहीं हम टाइम ब्ला ब्ला जाया ही नहीं ब्ला करता हूँ। यूं 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 मत करें, और उठ के स्टडी टेबल पे बैठे और प्रॉपर तरीके से पढ़ें, बहुत मुझे रोजा लग रहा है नींद क्या। आई है अभी तो उठे थे। लॉग हो गया है अपलोड, फाइनली, तो जल्द से यस जाके देखिएगा और उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आएगा। और आज के व्लॉग की अब यह अपडेट है कि जैसे हमने जिक्र किया था, वी हैव अनदर अफ्तार इनविटेशन फॉर टुनाइट, तो उसके लिए अब हम सोच रहे हैं कि हम क्या बना के लेके जाएं, क्योंकि क्योंकि आपको पता है कि मैं कुछ ना कुछ बना के मस्त लेके जा रही हूँ और मुझे यस अच्छा भी लगता है, और वैसे भी खाली हाथ किसी के घर नहीं जाना चाहिए। यस तो आज शफक के माइंड में आइडिया आया है कि केक बेक करते हैं। इस मुश्किल मरहले में शफक को अकेले ही काम करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपना थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, तो इनशाला आज हम लेट नहीं होंगे, तो टाइम से पहुंचना होगा। तो हमें तो समझ नहीं आती है कि टाइम इतनी जल्दी गुजरता कैसे है। फेस्टिविटी को हम मिस कर रहे थे, ये गैदरिंग्स को और इन चीजों को। देखते हैं कि आज शफक क्या रंग लगाएगी अपने केक में, तो लेट्स गो टू द केक सेक्शन नाउ। तो बैटर बन गया था और मैंने पैन में जो है ना वो हाफ डाल भी दिया है, और
ओवन जो है वो प्री हीट हो रहा है। हमारा केक ऑलमोस्ट रेडी होने लगा है और ये देखें कितना अच्छा राइस किया है। नहीं अभी नहीं हुआ, अभी नहीं, अभी रहता है। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, लेट मी चेक। ऊपर से थोड़ा सा ज्यादा ब्राउन हो गया बट कोई बात नहीं, देखते हैं कि अंदर से क्या हालात है। इट्स डन। वो आसिफ ने नमाज पढ़ ली है ना, और अब असर सपारा पढ़े हैं। मैं नमाज़ पढ़ चुकी हूँ और मैं सपारा भी मैंने पहले ही पढ़ लिया था जोहर के साथ। तो उसके अलावा जी केक की अपडेट ये है कि केक बहुत फिट बना है, बहुत फ्लफ़ी लग रहा है मुझे तो, और सॉफ्ट लग रहा है और जला भी नहीं है। और दूसरा केक अंदर बन रहा है अभी। और मैंने क्या किया है, मैंने कपड़े प्रेस कर लिए। मैंने कहा रोज़ आपको कपड़े तो नहीं आप प्रेस करते हुए दिखाना, लेकिन ये मेरा आउटफिट है और ये नीचे असद का कुर्ता है ये वाला। तो ये भी डन हो गया, बस अब हम रेडी होंगे क्योंकि टाइम देखें जी 6:20 हो रहे हैं। मैंने अपने फेस पे बर्फ़ रखी हुई है जमा के, लाइक एक क्यूब सी रखी हुई है, उसके अंदर मैंने हल्के गुलाब और थोड़ा सा जो है ना वो एलोवेरा डाल के उसको मैंने फ्रीज़ किया है। और उससे मैं हमेशा मेकअप करने से आधा घंटा पहले या 15 to 20 minutes पहले मैं जो है ना उसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए रब कर लेती हूँ फेस पे, तो उससे मेकअप अच्छा हो जाता है। और उसके अलावा मैं हमेशा लेंस लगाने से पहले अपनी आँखों में हल्के गुलाब डालती हूँ क्योंकि फिर मुझे इरीटेशन नहीं होती। तो अगर आपको भी लेंस लगाने के बाद इरीटेशन होती है तो आप हल्के गुलाब यूज़ करें, तो वो मैंने कर लिया है। अब मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूंगी। सोच रही हूँ आज आप लोग को थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी से अपना मेकअप जो रूटीन है वो दिखा लूँ कि मैं किस तरह से मेकअप करती हूँ। सो सबसे पहले गाइज मैं अपना जो मेकअप है जो डेली में यूज़ करती हूँ वो मैं सामने रख देती हूँ, और साथ में बाम निकाल लिया मैंने, और मैं अपने लिप्स पे जो है ना ये बाम लगा लूँगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मेरे इतने लिप्स ड्राई हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो ये सबसे पहले यूज़ करूँगी मैं। सो बाम डन, अब उसके बाद मैं लगाऊंगी प्राइमर। प्राइमर डन, अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसके बाद मैं कंसीलर यूज करूंगी जल्दी से। मैंने लाइट लगा दी है मेकअप करते वक्त, वैसे भी इस रूम की जो लाइटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है तो मैंने लाइट लगाई है ताकि आप लोगों को भी सही नजर आए। मैंने कंसीलर पुट किया और उसके अलावा मैं क्या करूंगी, मैं ये रोज वाटर जो है ना ये अपने फेस पे जो है ना स्प्रे कर लूंगी। सही है जी, ये मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है ना, इसके ऊपर भी थोड़ा सा इसको स्प्रे कर दूंगी, और उसके बाद मैं जो है ना टैप करूंगी जहां जहां मैंने कंसीलर यूज किया वहां वहां। तो सब चले गए हैं केक देखने, तो मैंने सोचा जल्दी से आपको बता दूं कि ये दो फाउंडेशंस जो हैं ये मैं मिक्स करके लगाती हूँ क्योंकि एक बहुत डार्क है और एक बहुत लाइट है। तो अपडेट इस के दोनों केक्स रेडी हो गए हैं, एक तो थोड़ा ठंडा भी हो गया, दूसरा थोड़ा सा ठंडा कर रहे हैं, फिर हम सोच रहे हैं कि पीसेस करके ही लेके जाएंगे। अब ये पाउडर है जो कि बहुत खराब हो चुका है, मैंने ये प्रोडक्ट्स सारे बताए हुए हैं अपनी एक वीडियो में, अगर आप लोगों को प्रोडक्ट्स का देखना हो उसके डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं सारे प्रोडक्ट्स, वो यूज कर रही हूँ मैं अभी तक। तो अब मैं आईब्रोज बनाने लगी हूँ। मेरे आईब्रोज बिल्कुल जेट ब्लैक हैं लेकिन मुझे नहीं पसंद, तो इस वजह से मैं ना ब्राउन शेड यूज करती हूँ। अगर आप लोग मेकअप करें ना तो आप लोग आईब्रोज लाजमी बनाया करें, बहुत अजीब लगता है मेकअप अगर आपके आईब्रोज फिल्ड ना हो तो। मेरे पास ये कलर है, ये देखें ब्लश पैलेट है, ये पता नहीं कब की है, इससे मैं यूं पिंच करके ना इसको यूं लूंगी और मैं दोनों तरफ थोड़ा सा जो है ना, पता है आपका आजकल हम मोटे हो गए हैं ना इसलिए हमें इसकी जरूरत अब होती है, पहले नहीं पड़ती थी। अच्छा जी, ये एक और आई शेडो पैलेट है जिसको मैं एज अ ब्लश ऑन यूज करती हूँ क्योंकि मुझे इसके ये शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इसको दोनों को मिक्स करके अच्छे करके अपने चीक्स पे अप्लाई कर लेती हूँ और थोड़ा सा नोजी पे के ये बहुत ही कोई पुराना शिमर है मेरे पास जो कि मैं अभी तक यूज करती हूँ, एक्सपायर्ड मेकअप, क्योंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका अभी तक, तो ये मैंने शादी पे लिया था। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ये देखें, मैं यूं लेती हूँ, ये मेरा आई लाइनर है ठीक है, इसके पीछे यूं लेती हूँ यूं करके, अब आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा, ये इनर आई के जो कॉर्नर्स है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई मेकअप सबसे लास्ट में, वैसे पहले करते हैं लेकिन मैं लास्ट में कर लेती हूँ। ये मैं व्हाइट वाला लूंगी, थोड़ा सा ब्राउज के जो है ना अंदर की साइड पे लगाऊंगी उंगली से,
आज मैं ब्रशेस नहीं यूज करूंगी, टाइम नहीं है, ब्रशेस तब यूज करती हूँ जब मेरे पास अच्छे से टाइम हो और मैं अच्छा सा मेकअप कर रही हूँ। और ये इसकी भी हालत खराब हो चुकी है, मैंने टेप्स लगाई हुई है पर मैं इसको भी यूज कर रही हूँ क्योंकि ये लाइट पिंक सा जो है ना, मैं हल्का सा अपनी आईज के ऊपर लगा दूंगी फिंगर से ही, ठीक है। मैं बहुत हैवी लुक नहीं कर रही, हैवी लुक भी करके आप लोग को दिखाऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन इसके लिए मुझे फोकस करना पड़ेगा। वो लाइट जो पिंक कलर था वो मैंने अंदर की थोड़ी सी साइड पे लिया और फिर साइड यहाँ पे कॉर्नर्स पे जो है ना, मैं ये वाला थोड़ा डार्क से जो कलर्स है ना इनको मिक्स करके तो यहाँ पे फिर से कॉर्नर्स बना लूंगी, ठीक है। ये एक मेरे पास पतला सा ब्रश है, ये मैं लेती हूँ और जिस कलर का मुझे लगाना हो ना, लाइक डार्क कोई कलर लेना हो, जैसे यही वाला कलर मैं ज्यादातर यूज करती हूँ, इसको मैं लेके उसे मैं आईलाइनर बना लूंगी इससे। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, साइड से निकल गया तो इसको साफ कर लेंगे ऐसे करके, देखें। और ये आईलाइनर भी लग गया हमारा। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी जी मस्कारा, और अगर काजल का दिल किया तो काजल लगा लूंगी, बस फिर खत्म। और फिर खत्म मेकअप डन, नई लिपस्टिक रह गई। मैं को इतनी जल्दी कैसे मेकअप डन हो गया, व्हाइट आईलाइनर लगाना चाह रही थी, मुझे मिल नहीं रहा है। दिस इज माय मेकअप लाइटिंग, मैं आपको दिखाती हूँ लिपस्टिक तो रहेगी। और अब याद आई है तो मैंने कहा आपके सामने ये वाला शेड लगा रही हूँ मैं पिंक सा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दीज आर माई शूज और ट्राउजर एंड दिस इज माई शर्ट, दिस इज फ्रॉम खाडी और दुपट्टा, और ये मैंने स्टॉलर साथ में आज मैच किया है। और मेरा मेकअप ज़रा सही से नज़र नहीं आएगा, लाइट कम है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दिस इज माई मेकअप, और लेट हो रहे हैं ना तो, और ज्वेलरी में मैंने ये कंगन पहने हैं और ये रिंग एंड दैट्स इट, ये दो रिंग्स एंड दैट्स इट। सो आई एम रेडी। सो ये हम दोनों का OOTD, लाइट इतनी अच्छी नहीं है बट लोगों को नजर आ रहा होगा। रेडी ओके जी, तो अब हमने अपना अपना हिस्सा डिवाइड कर लिया है एंड दिस इज हाउ शी इज लुकिंग टुडे। जल्दी जल्दी जा रही हैं हम, शफक साहिबा लेट हो गई हैं। खुशी इस बात की है कि केक अच्छे बने हैं, टाइम से भी अल्लाह करे टेस्ट में भी अच्छे हो इंशाल्लाह। ये जो स्ट्रॉलर खड़ी की राइट वाली स्ट्रॉलर, इतनी प्यारी स्ट्रॉलर। अच्छा आपको बेहतर पता है, ठीक खाते हैं ना फिर से 11 बजे ही आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आज लेट आए हैं, आज हम थोड़ी सी वॉक भी कर रहे थे क्योंकि आज शफक ने बहुत खाया ना, मतलब मेरे से भी डबल खा गई आई है, तो शी नीडेड अ लिटिल बिट ऑफ वॉक। मैंने असद को बोला, मैंने कहा मैंने खा भी बहुत लिया और हवा भी बहुत अच्छी, मौसम अच्छा है तो चलें वॉक करते हैं। टाइम फॉर द अफ्तार डिनर अपडेट, तो जनाब एज यूजुअल माशाल्लाह यहाँ पे तो मजे ही हो गए, मतलब आज तो मतलब दोनों हाथों से ना, आज मैंने बहुत खाया तो, बहुत खाया माशाल्लाह, बहुत अच्छा था सब कुछ। चना चाट थी, फ्रूट चाट थी, पकौड़े, समोसे, कटलेट्स और चिकन बिरयानी थी, और मीठे में केक था, हमारा केक भी था और उनकी तरफ से पुडिंग टाइप केक था और वो बहुत मजे का था माशाल्लाह, सब कुछ बहुत मजे का था। मैंने पूछ ली, मैंने भाभी से बोला, मैंने कहा मैं आई विल ट्राई इट। यस, तो माशाल्लाह माशाल्लाह वी हैड अ रियली ग्रेट टाइम, अमेजिंग टाइम। आज तो हमने मैंने कार्ड्स भी खेले तो सारे कह रहे थे कि इसको आते हैं छुपा रुस्तम लग रहा है,
अल्लाह ताला इन सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए। सो वी आर रियली हैप्पी कि वी चोज टू कम हियर। और पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो हमारा आने का रीजन था वो बहुत ज्यादा ठीक साबित हो रहा है यहाँ पे। एग्जैक्टली हमारा केक भी बहुत अच्छा बना था और वहाँ पे सब ने बड़ी तारीफें की। तो मैंने कहा जी मैंने सबको खिलाया, सबसे बारी बारी पूछा कि मुझे बताइए और सच्ची सच्ची बताइए कैसा है। और मैंने बच्चों को भी खिलाया और मैंने बच्चों से पूछा और बच्चों की तरफ से भी जो है ना थम्स अप मिला मुझे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग मजा आया होगा देखकर। तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप। और आज मैंने अपनी ये वाली जो लुक है इसका ये भी शेयर की है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। बहुत डिटेल में नहीं कर सकी लेकिन फिर भी मैंने जल्दी जल्दी में जो है ना बता दिया आप लोगों को मैंने कैसे अपना मेकअप किया है। सो डू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों को इसकी लुक अच्छी लगी है या आप लोगों को अगर ज्यादा ग्लैमरस लुक चाहिए मैं वो भी कर सकती हूँ, तो एक दो दिन है हमारे पास, इंशाल्लाह वी विल ट्राई। दिस रैप्स अप टुडेज वीडियो। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, सबको अच्छी अच्छी इफ्तारियां करवाएं। पाकिस्तान में कोविड चल रहा है सो प्लीज अवॉइड दैट। So be happy and stay positive. See you guys soon in our next video. Till then stay safe and take care guys. Allah Hafiz. Bye.